आप सुनने जा रहे हैं तेनाली राम की कहानी। तेनाली राम, तेनाली राम कैसे बना? कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़बुन बनी रहती थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्यता के कारण वह प्रजा बहुत ही खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेश आक्रांता की नहीं थी। साथ ही वहां लोक साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले थे तथा हास परिहास को पसंद करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है। विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर रहता था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत ही हसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक पूरे तेनालीराम के गांव को खूब आनंदित करता था। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता था कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती थी। इसलिए वह जिसका भी मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खेल खिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई बातें सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत बालक है, हमें तो लगता है कि रोते हुए को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते लोगों को हंसा सकता हूँ या नहीं, पर सोते लोगों को जगा जरूर सकता हूँ। सुनकर आपस के लोग ठट्टा मार कर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते थे, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब गजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो ये रामलिंगम सचमुच अद्भुत व्यक्ति है, हमें तो लगता है कि पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमें तो लगता है कि घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की काफी मान्यता थी और दूर दूर के लोग वहां माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और वहां से चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के चार मुख थे, 8 भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान चला गया। अगले ही पल उसे बड़ी जोर की हंसी छूट पड़ी। उसे देखकर माँ दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय बाहर निकल कर आई और रामलिंगम के सामने आकर प्रकट हो गईं और बोले, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे माँ, एक बात याद आ गई और इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। कौन सी बात? भला मुझे तो बता, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब मुझे जुकाम हो जाता है तो बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब आपको जुकाम होता होगा तो आप तो ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही
माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी और दुर्गा माँ ने कहा, अब तू माँ से भी मजाक करेगा। फिर हंसते हुए दुर्गा माँ ने कहा, पर आज मैं ये समझ गई हूँ कि तुम में हास्य की एक बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रखना, अपने इस हास्य वृत्ति का किसी को भी दुख देने का प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। जा, तू राजा कृष्णदेव के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का तुझे पूरा सम्मान मिलेगा। उस दिन रामलिंगम माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर से वापस लौट आया तो उसका मन बड़ा ही हल्का फुल्का हो गया था। रामलिंगम लौटकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा, जहां पर राजा कृष्णदेव राय ने रामलिंगम की बुद्धिमानी और चातुर्य देखकर उन्हें अपने मंत्री के रूप में स्वीकार किया और इस तरह रामलिंगम ने तेनाली राम बनकर संपूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित की। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनाली राम की कहानी, तेनाली राम कैसे बना।